अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाकू हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाकू हिंद की फिल्मी दुनिया से है। और ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1939 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाकू हिंद की फिल्म दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसका जिक्र करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। जिस फिल्मी शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम है अथावाले। आपने कमोबेश 28 फिल्मों में काम किया। आपने अपने कैरियर का आगाज 1932 से किया। आपकी पहली फिल्म थी राम विलास जो कि 1932 में रिलीज हुई। 1934 में आपने फिल्म मेरा ईमान में काम किया। 1935 में आपने फिल्म जाने आलम अंजुमारा में काम किया। 1938 में आपने दो फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, पूर्णिमा, स्टेट एक्सप्रेस। 1939 में आपने तीन फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, बिजली, हीरो नंबर वन, लेदर फेस। 1940 में आपने फिल्म नरसी भगत में काम किया। 1941 में आपने तीन फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, दर्शन, माला, सिकंदर। 1942 में आपने तीन फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, भारत मिलाप, चूड़ियां, फिर मिलेंगे। 1942 में आपने फिल्म उल्टी गंगा में भी काम किया। 1943 में आपने चार फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, भक्ता रायदास, पनघट, पृथ्वी वलक, राम रज्या। 1944 में आपने तीन फिल्में की और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, कविता, पत्थरों के सौदागर, पुलिस। 1945 में आपने फिल्म हमारा संसार में काम किया। 1946 में आपने चार फिल्में की, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, जादूगर, मेरा गीत, स्वदेश सेवा, जमीन आसमान। जमीन आसमान आपकी आखिरी फिल्म थी। और यह था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार अथावाले के बारे में। लेकिन वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और जैसा कि मैंने सिलसिला 1913 से शुरू किया था और मैं 1939 तक पहुंचाऊं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और एक दफा फिर आपसे कहूंगा जाते जाते मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया।